गाइस ये है सिवनी रेलवे स्टेशन और ये है मेरी शॉप। 28 तारीख के बाद से यह दौड़ती हुई नजर आएगी अपनी सिवनी रेलवे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ मैं अपने सिवनी रेलवे स्टेशन में, और यहाँ आके देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम हो चुका है, समथिंग पूरे काम हो गया है भाई। यहाँ पे जो बिजली के खंभे लग रहे थे, तार लग रहे थे ना, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं A to Z। और ये खबर आई है, उड़ती ये खबर आई है कि 28 तारीख को जो तार लगे ना, टेस्ट करने वाले 28 तारीख को, उसके बाद से ये मतलब ट्रेन रनवे पे दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी बिजली से। अभी तक जो चलती थी पेट्रोल वो डीजल से चलती थी, और बस उसी से चलती थी। मालगाड़ी भी अभी डीजल से ही चल रही है, और लेकिन 28 तारीख के बाद से यहाँ पे होगा रनवे पे CRF जो ना उसका टेस्टिंग होगी, उसके बाद से यहाँ पे दौड़ती हुई नज़र आएगी अपनी सिवनी रेलवे स्टेशन में ट्रेन। तो गाइस ये खबर बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे घूमने आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो पीछे जो बिल्डिंग बन रही है ना, बड़ी वाली 3 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है गाइस, यहाँ पे 3 मंजिल की। सबसे नीचे रहेगा अपना पार्किंग, और बीच में रहेगा टिकट काउंटर, और सबसे ऊपर रहेगा क्या रहेगा, ऊपर रहेगी गाइस कैंटीन। तो ये 3 मंजिल बिल्डिंग जो बन रही है वो रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है अपने सिवनी रेलवे स्टेशन की, और उसका भी पीछे काम चल रहा है आप देख सकते हो। और मैं यहाँ घूमने आया तो चलो घुमाता हूँ आपको कि अभी तक क्या क्या काम हो चुका है और क्या बाकी है। बाकी काम तो आपको दिख गया है, रेलवे स्टेशन के जो बड़ी बिल्डिंग है वही बस बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। बिजली के खंभे और बिजली के तार भी सब खींच चुके हैं। इस तरह से देखो यहाँ पे काम चल रहा है पूरा, और जो इंजन है उसके ऊपर वर्कर्स खड़े हुए हैं और बिजली के तारों को ठीक से कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यही बस कनेक्शन करना बाकी रह गया सिर्फ रेलवे स्टेशन में, बाकी पूरा कम्प्लीट हो चुका है गाइस। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना अपना सिवनी रेलवे स्टेशन। तो गाइस ये है सिवनी रेलवे स्टेशन और ये है उसका ब्रिज, ये पूरा कंप्लीट हो गया, और बस आगे का दिखाता हूँ आपको कहता है। सो गाइस यहाँ पे मेरे जैसे बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आए हैं देखो, और वो बिल्डिंग का काम चल रहा है उधर, बताया था मैंने आपको वीडियो में पीछे, और आगे चल रहे हैं अपन। अब ये कम्प्लीट हो गई है बिल्डिंग, gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. स्टेशन का कुछ इतना ही दिखाते हैं, आगे चलते हैं सीधे हमारी शॉप की ओर, क्योंकि मेरी शॉप जो है यहीं पे रेलवे स्टेशन के पास में है, वो उधर पे जो बिल्डिंग दिख रही है ना उधर साइड पे, तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। मैंने वहाँ से इधर शिफ्ट कर लिया अपनी शॉप को, और पहले उधर थी, उधर से इधर लेके आ गया, कुछ कारण था, प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको मेरी शॉप की नई लोकेशन, और किस तरह से मैंने उसको डेकोरेट किया है, और अभी कैसी दिख रही है मेरी शॉप। तो चलो चलते हैं अपनी शॉप की ओर, और ये है मेरी शॉप, ये मेरी दुकान है, अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसी है। ये देखो इस तरह से मैंने उसको सजाया हूँ, और एक छोटा मोटा सा ये मतलब घास वगैरह लगा के थोड़ा सा डिफरेंट किया हूँ, वहाँ पर कुछ अलग था और यहाँ पर कुछ अलग है। शैम्पू सेक्शन भी यहीं पर रखा हूँ, कोई अलग रूम नहीं है इसके लिए। और ये मेरा इस तरह से पूरा सेटअप किया हूँ, छोटा भाई यहाँ बैठे और ये पवन भैया हमारे। गाइस यहाँ पे डिफरेंट इतना ही नहीं, यहाँ पे डिफरेंट और कुछ भी है, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ के ही बाल काटता था, यहाँ पे कुछ नया किया हूँ, यहाँ पे मैं लेडीज़ के और लड़कियों के भी बाल काटना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको कुछ वीडियो के क्लिप में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो मैंने 2-3-4-5 लड़कियों के जो बाल काटा, हेयर कट किया है, स्ट्रेटनिंग की है, वो वीडियोज़ में आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में आगे। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो छोटा सा वीडियो रहेगा वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नया होना तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है छोटे छोटे वीडियोज़ को बनाने में, लोगों को मतलब उनके सामने बोलना इतना कुछ, लोग सोचते हैं पागल है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, लेकिन मैं सोचते नहीं लोगों के बारे में, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं, अपन अपना काम करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Like a test that I fail, so depressed when I can't seem to